नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत हमारे YouTube चैनल HSSC अड्डा में। आज से जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वह जो टीचर का एग्ज़ाम लेगी APS आर्मी पब्लिक स्कूल का टीचर का एग्ज़ाम होगा, जो AWES लेती है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी लेती है, उसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज लेके आने वाले हैं। ये जो ये क्वेश्चन पेपर है, साइट पे तो पेड है, जो इनकी साइट है उसमें तो पैसे लेके ये पेपर दे रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ लेके आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब इसमें हम जो CSSB 2012 में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे Part 1 में। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द इंडियन यूनियन, तो वह कितनी है, वह है 29 और 7। यूनियन 29 तो स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन इज़ द लाइन फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन, तो ये बनाती है इंडिया और चाइना के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, अगला क्वेश्चन कहता है द भोपाल गैस ट्रेजिडी वाज कास्ट बाई लीकेज ऑफ विच डेडली गैस, तो वह गैस कौन सी थी, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट थी वो गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कब हुई थी, ये हुई थी, ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 को हुई थी ये घटना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ए पर्सन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये पूछ रहा है कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है जो वो नॉट रिक्वायर्ड है, 35 साल का होना ज़रूरी है इसमें, शुड नॉट होल्ड एनी प्रोफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी ज़रूरी है, मस्ट बी इंडियन सिटीजनशिप, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो इसमें वो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट नाउ, तो वह है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू, सॉरी ये प्रॉपर्टी टू आएगा यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी, वह है ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बंदे को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है, तो सरकार उससे जब चाहे ले सकती है प्रॉपर्टी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इज, वह है अप्रोक्स 52 सेकेंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द दिस बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय डॉक्टर आर राधा कृष्णन, ये पूछ रहा कि इनमें से कौन सी डॉक्टर राधा कृष्णन ने नहीं लिखी, इंडियन फिलोसफी भी लिखी है, हिंदू सिविलाइजेशन भी लिखी है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ भी लिखी है, ये नहीं लिखी। अब ये सवाल उठता है कि ये लिखी किसने फिर, तो वह लिखी है लाला हरदयाल ने, हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने लिखी है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू पूछा है उसने कि इनमें से ट्रू कौन सी है। देखिए विटामिन डी हेल्प्स इन हीलिंग वाउट, विटामिन डी हेल्प नहीं करता है, विटामिन सी करता है इसके लिए, इसमें विटामिन सी प्रिवेंट रिकेट्स, विटामिन सी रिकेट नहीं, ये हेल्प करता है विटामिन डी, विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, हाँ ये सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब अगला क्या है, विटामिन ई प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, ई नहीं प्रिवेंट करता है, विटामिन ए प्रिवेंट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट ईयर इज द, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन ईयर, एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी वह लाइट ईयर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द ऑयल इन द विक ऑफ एन पिल लैम्प राइजेस ड्यू टू, वह होता है कैपिलरी एक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरीज, वह सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बार बार,
सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड बाय, किसके किससे परसीव्ड की जाती है, वह है ओल्फैक्शन, ओल्फैक्ट्री लोब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इससे जो ये और भी काम करता है, डिटेक्शन ऑफ हजार्ड्स, फिरोम्स, जो फिरोमोन्स होते हैं उनके डिटेक्शन में, स्मेल्स, स्मेल्स ऑफ परसीव्ड, ये ओल्फैक्ट्री ऑफ ओल्फन होता है जो वो करता है सारे काम। अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां, द फाउंडर ऑफ विकिलीज इज, वह इनके फाउंडर कौन है, वह हैं जूलियन एसेंज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कौन है, ये ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इन्होंने ये 2006 में बनाई थी ये कंपनी विकिलीज। अगला क्वेश्चन क्या है, 14वां, वेयर वॉज द सार्क समिट 2011 हेल्ड, जो ये सार्क 2011 समिट हुई थी, ये हुई थी मालदीव्स में। मालदीव्स में देखिए आपको बता दें, जो पहली सबसे पहली हुई थी वो हुई थी 1985 में, 1985 में ये हुई थी बांग्लादेश, बांग्लादेश में हुई थी, बांग्लादेश में। और दूसरी हुई थी, सेकंड हुई थी जो, वो इंडिया में हुई थी। और जो अभी लास्ट वाली हुई है, जो लास्ट हुई है वह हुई है 19वीं, 19वीं हुई है वो पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान में। और जो ये 2011 वो मालदीव्स में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन इसी इसका अपना 15वां क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द इंडियन इंडिया ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा इन अक्टूबर 2011, किसने जीती थी वो, वो जीती थी सेबेस्टियन वेटल ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ के थे, ये थे जर्मनी के, जर्मनी, जर्मनी के, ये हुई थी 30 अक्टूबर 2011 को। तो ये थे अपने कुछ जो अपने CSB 2011 में आर्मी पब्लिक स्कूल ने पूछे हैं, जो क्वेश्चन जनरल साइंस के पार्ट 1 के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपके और दोस्त भी APS की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके दूसरे एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली से वीडियो में हम, तब तक के लिए नमस्कार।